ऋषभ पंत ने जगह बनाने अपनी वर्ल्ड कप में हर कोई यहाँ पे उन्हें बधाइयां देते हुए नजर आ रहा है। फिलहाल की अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने वीडियो पोस्ट किया है जिसपे लिखा है, समय को भी तलाश थी, अब वो तलाश खत्म हुई, ऋषभ पंत को दोबारा इंडिया जर्सी में देखकर। बिल्कुल, तो जहाँ तक दिल्ली कैपिटल्स की बात है, वो फ्रेंचाइजी बहुत ज़्यादा खुश होगी कि एक प्लेयर जो है वो इंजर्ड होता है ये भी नहीं पता होता कि वो दिल्ली कैपिटल्स में खेलेगा या नहीं खेलेगा। खेलता है तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि दिल्ली भले ही क्वालिफाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएगी, लेकिन उसका खिलाड़ी टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तो मुझे तो लगता है कि इससे अच्छी बात किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए नहीं होगी। बिल्कुल, और रिप्रेजेंट करेगा वो भी वर्ल्ड कप में, तो ये बात ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। मैं आपको बता दूँ कि 7 मई को राजस्थान रॉयल्स से भिड़ने वाली है दिल्ली। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि शुरू से ही संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत चलता आ रहा था वर्ल्ड कप के लिए, और अब इन दोनों की टीम भिड़ने वाली है, इसलिए हम दोनों का एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। बिल्कुल, तो जहाँ तक संजू की बात है, इन्होंने 385 रन बनाए हैं। जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, इन्होंने बनाए हैं 398 रन। जहाँ तक दोनों के मैचों की बात है, तो संजू ने सिर्फ 9 मैच खेले और जो ऋषभ पंत हैं उन्होंने सिर्फ खेले अभी 11 ही मैच। और अगर हम बेस्ट की बात करते हैं तो रन्स में दोनों ही नॉट आउट रहे हैं। संजू सैमसन का 82 नॉट आउट और ऋषभ पंत का 88 नॉट आउट। यहाँ पर अगर हम सिक्सेस की बात करें तो सैमसन ने यहाँ पे 17 सिक्सेस जड़े हैं और ऋषभ पंत थोड़े से आगे चल रहे हैं 24 सिक्सेस के साथ। स्ट्राइक रेट की बात करें तो 160 स्ट्राइक रेट है संजू सैमसन का और ऋषभ पंत का थोड़ा सा ही कम है 158। 50s की बात करें तो 4 50s नाम संजू सैमसन के और 3 ऋषभ पंत के हैं। तो इन दोनों के आंकड़े जो है हम कंपेयर जब कर रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि संजू सैमसन जो है वो बेहतर हैं, लेकिन हाइप जो है वो ऋषभ पंत की बनी हुई है। हर फैन जहां पर भी आप देखेंगे तो सब जो लोग जो है वो पंत को टीम में देखना चाहते हैं, तो शायद पिचेस देखने के बाद फैसला किया जाएगा कि किसको जो है वो टीम इंडिया में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संजू सैमसन का जो आईपीएल का करियर है वो थोड़ा सा अपडेट हो गया है, उसे भी देख लेते हैं। मैचेस कुल मिला के 161 खेले हैं संजू सैमसन ने, रन जिसमें 4273, बेस्ट है 119, स्ट्राइक रेट है 139 with 6 is 199। आपने अभी बोला कि फैंस जो है वो देखना चाहते हैं ऋषभ पंत को, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है क्योंकि अगर हम किसी और प्लेयर की यहाँ पे बात करें तो सारे ही प्लेयर्स जो हैं वो एक नॉर्मल तरीके से आए हैं, नॉर्मल रूटीन से आए हैं, लेकिन ऋषभ पंत 16 महीने के लंबे वनवास कह लीजिए उससे निकल कर आए हैं, इतनी फिटनेस उन्होंने वापस गेन करी है, तो कहीं ना कहीं चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि फैंस उन्हें देखना चाहते हैं। बिल्कुल, जहाँ तक ऋषभ पंत की बात है, 109 मैच खेले हैं, 3236 रन है, बेस्ट 128 का है, स्ट्राइक रेट 149 का है और सिक्सेस उन्होंने 153 जो है वो लगाए हैं। तो आगे अगर हम बढ़े तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो लेजेंडरी प्लेयर थे जिन्होंने दोनों खिलाड़ियों की तारीफ की थी, तो एक बार देख लेते हैं कि किस खिलाड़ी ने जो है वो किस प्लेयर के बारे में क्या बोला था। ब्रायन लारा की बात करी जाए तो उन्होंने संजू सैमसन को लेकर कहा था कि वो एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जहाँ तक बात है बैटिंग की तो वो ग्रेट टाइमर ऑफ द बॉल है। बिल्कुल, और पंत को लेकर उनका कहना था ऑब्वियसली कमिंग बैक फ्रॉम द इंसिडेंट, आई थिंक ही हैज शोन ग्रेट फॉर्म फॉर मी, दोस टू आर डेफिनेटली द फ्रंट रनर्स फॉर द पोजीशन। बिल्कुल, तो फ्रंट रनर्स थे, दोनों ने ही जगह बना ली है और इंडिया जो है वो आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को अपना पहला मैच खेलेगी और उसके बाद भिड़ेगी पाकिस्तान से। तो जहां तक बात है ऋषभ पंत की, तो नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि आप ऋषभ पंत को जो है वो किसी भी तरह से क्रिकेट से बाहर नहीं रख सकते, तो क्रिकेट में तो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और ये भी कहा था कि ये ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इनको चांस मिले तो ये सिलेक्टर के दरवाजे तोड़ के वहाँ घुस जाए और बोले चलिए मुझे गेम में लीजिए, इंडिया के लिए नंबर 1 विकेट कीपर बन सकते हैं ऋषभ पंत। और जहाँ तक उनकी फिटनेस की बात है तो एक आर्टिकल मैंने देखा था जिसमें कहा गया था कि ऋषभ पंत की जो डाइट थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो उर्विका उसके बारे में जरूर बताई। बिल्कुल, यहाँ पे उनको कहा गया था कि शुगर जो है बिल्कुल ही कट कर देनी है, तो जितनी शुगर वो लिया करते थे यूजुअली उससे हाफ पर वो आ गए थे। और मैं आपको बता दूँ कि जब वो NCA में थे तब वो होटल में स्टे किया करते थे बेंगलुरु में, लेकिन उनको बोला गया कि आपको अपनी डाइट थोड़ी सुधारनी होगी, इसके चलते उन्होंने बेंगलुरु में ही है जो फ्लैट ले लिया रेंट पे ताकि घर का खाना खा सकें और ज़्यादा हेल्दी खा सके। 7 से 8 घंटे की नींद लेते थे, सारे गैजेट्स यूज़ करना सिर्फ 11 रात की 11 बजे तक होता था, उसके बाद कोई गैजेट यूज़ नहीं और अनइंटरप्टेड स्लीप लेने के लिए करते थे ऋषभ पंत। तो अब देखते हैं कि संजू सैमसन जो है वो टीम इंडिया में नजर आएंगे, यानी कि वो 11 में नजर आएंगे या फिर ऋषभ पंत या दोनों ही नजर आएंगे, आपका इस बारे में क्या सोचना है आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं।